गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने दोपहर का लंच का भी प्रिपरेशन कर लिया है। ये है सूजी पोहा और ये हमारा चाय। तो उनको दे के आती हूँ। टमाटर वाला दाल बनाऊंगी। ये है मेरा, लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे जो एग्स है ना, इनको मैं सेट कर रही हूँ। मैं रात को नहीं की थी क्योंकि रात को मैं सिर्फ चावल ही बनाती हूँ या तो रोटी बनाती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब मैं दूसरा कोई काम कर रही होती हूँ तभी मैं किचन में अलग से काम करती हूँ, अलग से टाइम नहीं स्पेंड करती हूँ। तो क्या होता है ना, हम लेडीज़ जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम किचन में ही स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्विक करना है ना। इतना डब्बा यूज़ करूँ तो ये इसमें रख दिया है, इस बाल्टी में सारा जो कुछ भी लाई थी इसके अंदर है, एक्स्ट्रा उसमें है, यहाँ पे भी है। कहाँ कहाँ रख दी हूँ सामान, कोई ठिकाना नहीं है। हाय बोलो दो, हाय बोलो दो, भालो अच्छो। देखिए आप लोग को हाई कर रही है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला था कि थोड़ा सा आप मुझे वीडियो क्लिप लेके दीजिए, बट देखिए ना क्या वीडियो बना रहे हैं वो, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, वो अभी बनाते नहीं हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कौशा मांसो, यम्मी यम्मी चिकन। देन उसके बाद यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे हाथ का खाना टेस्ट किया है, या मेरे सिस्टर हो या मेरे पापा को ही ले लीजिए, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। और कुछ फ्रेंड मुझे टेक्स्ट करते हैं कि तुझे ऐसा खाना कैसे बनाना आया, तूने कहाँ से सीखा, ये वो। अच्छा लगता है कोई तारीफ करो, बट मैं आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं आता था जब मेरे पहले पहले शादी हुई थी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ चीज़ों को, अभी भी सीख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। और हम दोनों ना बहुत ज़्यादा फूडी है तो बनाना और खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाल लाल कौशा मांसो बन के तैयार हो गया है। अभी देख रहा है, देखने में लग रहा है ज़्यादा ग्रेवी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ज़्यादा करके आलू डाला है, हम सब का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कितना यम्मी लग रहा है ना, देखिए ये तेज पत्ता वगैरह हटा देती हूँ। इसमें ना मनी प्लांट लगाया था, मैं मनी प्लांट लगाई थी, बट मनी प्लांट जो है ना उसका पत्ता पता नहीं सूख गया था, शायद पानी थोड़ा सा लेवल जो है कम हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। तो ये पर्पल नाइट कुछ बोलते हैं इसको, और ये लगा दिया है। ये भी पानी में अच्छे से ग्रो होता है। तो देखिए ना आज कितना अच्छा इसमें फ्लावर आया है, अच्छा लगता है ना। खाना वाना हमने खा लिया है दोपहर का, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मैं झाड़ू लगा रही थी। और बहुत पहले मैंने आप लोगों को इस प्लान के बारे में बताई थी, तब फूल नहीं आया था, अभी फूल आया है। तो आप लोग देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है, सबसे लास्ट मेरा ही फूल आया होगा शायद, बट कोई नहीं, आ गया, इतना ही काफ़ी है। और देखिए इशिका को खाना खाए हुए 1.5 घंटे हो गए हैं, बट वो कंटिन्यूसली बदमाशी किए जा रही है। इतना मैं बोल रही हूँ कि जाओ थोड़ा सा बेड में सो जाओ, बट नहीं सोएगी जब तक मैं उसके साथ नहीं बेड में जाऊँगी। तो क्या ही कर सकती है, अभी छोटे हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो में थोड़ा सा भी मेरा मेहनत दिखता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो में एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ये वीडियो नया देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा आप लोग जैसे हो। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। बाहर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, टाटा कर दो, टाटा। आबार बोला, आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे हम एक नया एपिसोड में। पीछे एकदम गंदा कपड़ा दिख रहा है, वो सब कपड़ा मैंने धो के रख दिया है, क्या करें, अच्छे गंदे सब कपड़ा हमें अपने किचन में चाहिए होता है ना, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा।